जिस समय मेरी दृष्टि आपके सुंदर बनकर वस्तु पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप वनवासी हैं, नहीं आप बनकर के आए हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके हाथों में धनुष और बाणों पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन वही दृष्टि जिस समय आपके सुंदर मुख पर पड़ती है, मुख को देखता हूँ, सुंदर मुखारविंद को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। आप सामने आपके साथ में जो बगल में खड़े हैं, ये गोरे कौतुम श्यामल गौर शरीरा, ये क्षत्रिय रूप फिर उपन बीरा, आप सांवली और गोरे क्षत्रियों का भेद धारण किए हुए आप इस वन प्रकट पर विचरण कर रहे हैं, कौन हैं आप? देख रहे हैं कि यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, देखो ना, बहुत कठिन भूमि है, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो चरणों को देखा तो आपके चरण कैसे हैं तो पता लगा कि कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े कोमल है। भूमि कठिन है, चरण कोमल है, तो कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा, जानना चाहता हूँ कवन है तो वन विचरूं। स्वामी किस कारण से आप इस वन प्रखंड पर विचरण कर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता साहस दुसह बन आता पाता, इतना दुख सहन करने का कारण क्या है? कहीं आप तो नहीं, कौन? वही ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में से तो कोई नहीं है कि तुम तीन देव महाकौ नर नारायण कि तुम दो, कोई उत्तर नहीं मिला है? कौन है ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बनर का डर भगवान, ऐसे बिहड़ गिराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यति ये तपसी कोई, है आप यति ये तपसी कोई, या कोई या छत्री वाके है? भूले भटके आ निकले जाते हैं कहां कहां के हैं, पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है इन रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, देखिए ना, हम दोनों एक पंथ के हैं, बस अच्छी पट जाएगी, परिचय होगा परस्पर में तो फिर रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, एक ही बात पूछेंगे, मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको? कहां पर देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा है, कहां देखा है? कहीं तो देखा है, देखा है कहीं आपको? लेकिन याद आ रहा ना, याद भूलते हैं, याद नहीं आ रहा कि हमने आपको कहां पर देखा है। देखा तो है, इसमें संदेह भी नहीं है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहां पर देखा है। आप अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं, अवगत कराएं, अवगत कराएं। और सुनिए आपने हनुमान जी की विद्युतापूर्ण ओजस्वी वाणी, प्रभावित हुए निशांत दीपक सोनी। आप हमसे हमारा परिचय जानना चाहते हैं, किंतु मैं तो इस समय उस स्थिति में हूं कि मैं स्वयं भी नहीं जानता मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। हे ब्राह्मण देवता, हमें खुद ही से चक्कर में है, किस तरह बताएं कहां के हैं, जब थे तब थे लेकिन
अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधिना ने जो लिखे संसार चक्र ऐसा ही है, क्षण क्षण में रंग बदलता है। आप हमसे हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे अपना परिचय। कौशलेश दश रथ के जाए, कौशलेश दश रथ के जाए। किसी निशाचर के द्वारा हमारी पत्नी का हरण कर लिया गया है। हाँ यहाँ हरी निश्चर बैदे, यहाँ हरी कथा बुझाई। मैंने अपना सारा चरित्र आपको गा करके बता दिया, कृपा करके आप बताएं। प्रभु सुख उमा
धीरज धरी स्तुति की हरस हृदय निज नाथ चीनी। और आप हैं पत्रकार अमरीश नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबा में भागम पाड़ बहासा यच्चार चापम नभावि रामम रघुवंश सनातम नभावि रामम रघुवंश सनाथा कर दे मुझे भगवल क्षमा कर दे दीनानाथ। अरे मैं तो आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था भगवान की मैं आपको पहचान नहीं सका। अरे आपकी माया में आपको भूल गया आपको पहचान नहीं पाया और मैंने आपका परिचय पूछ दिया दीनानाथ। लेकिन ये तो मेरा न्याय था कि पहचान नहीं पाया मैंने परिचय पूछ दिया मोर न्याय। मैं पूछा साई तुम पूछो कसनर की नाई आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया क्योंकि तुम आया बस फिर भुलाना ताते प्रेम में नहीं पहचाना मैं आपको पहचान नहीं पाया परिचय पूछ दिया। लेकिन मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। हाँ ध्यान दे आप हैं हमारे परमादरणीय किशोरी महाराज। मैं तो मंद बुद्धि वाला हूँ एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुन प्रभु मोहे बिचारे हो तीन बंधु भगवान आपने भी मुझे बुला दिया। अरे बूंद सागर में गिरा था खो गया बूंद सागर में गिरा था खो गया अरे मैं तो तुम्हारा था तुम्हारा हो गया मैं तो तुम्हारा था तुम्हारा हो गया क्षमा कर दे प्रभु मुझे क्षमा कर दे मुझे क्षमा कर दे। और आप हैं आदरणीय उमेश राजपूत जी इनके द्वारा ये 21 मुद्रा हनुमान जी के लिए प्रदान है कोटि कोटि धन्यवाद। देख पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर्ष भीति सब सूला। महाराज आप प्रभु सोच रहे हैं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं ब्राह्मण नहीं हूं मैं बंदर हूं। श्री महाराज हम बानर हैं ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है सुग्रीव यही पर रहता है जो हम लोगों का राजा है इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं जो हम सभी बंदरों के राजा हैं। लेकिन अभी अभी आपके द्वारा बताया गया पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने माता जानकी का हरण कर लिया तो आप चिंता ना करें प्रभु आप चिंता ना करें वो जय सिया भामरे ध्यान उठा देंगे ये आज्ञा जो प्रभु की होगी हम पालन कर दिखला देंगे ये बाल अपना ये बाल अपना ये पावर लगा देंगे माँ सीता का पता लगाने में पाताल सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कर आप करने आए अरे हम उस पर याद बताएंगे ये जाती दोस्तों सही करो प्रपालन करते जाएंगे प्रपालन करते जाएंगे प्रपालन करते जाएंगे प्रपालन करते जाएंगे। हनुमान नहीं नहीं क्षमा करे भगवान क्षमा कर दे मुझे निर्णय लेने वाला मैं कौन हो सकता हूं आप खड़े हैं और निर्णायक मैं बन जाऊं नहीं भगवान लेकिन मैं भी क्या करूं
जब एक पुत्र माँ का हरण सुन लेगा भला वो रह कैसे सकता है, शांत नहीं बैठ सकता। चाहता हूं नाथ सैल पर कपि पत रही, सो सुग्रीव दास तय आई, पर्वत पर मारा सुग्रीव रहते हैं, चलकर के उनसे मित्रता कीजिएगा। हनुमान तुम्हारा यह उत्साह देख करके मुझे विश्वास हो गया कि मेरी सीता अवश्य मिल जाएगी, चलो हम उनसे मित्रता करेंगे। चले प्रभु, ठहरे, तुरंत बड़े भोले हैं आप, बहुत भोले हैं। मैंने प्रभु से कहा चलो तो चल दिए, नंगे पैर हैं आपके, जानना चाहता हूं कितना समय नंगे पैरों भ्रमण करते करते आपको हो गया। प्रभु हनुमान मुझे 12 वर्ष हो गए। हाँ ध्यान दे, बर्मा डेंटल क्लिनिक बस अब आप कभी नंगे पैरों नहीं चले, आज से आपका सेवक हनुमान मिल गया है, आप हनुमान के कंधों पर बैठ करके चलेंगे। कंधों पर बिठाऊं या जी कंधों पर बिठाऊं? कंधों पर ना बिठाऊं भाई, कंधों पर अगर मैं बिठाऊंगा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा और संसार में प्रभु को कोई पकड़ नहीं पाया, कहां बिठाऊं? याद आ गया, आपको पीठ पर बिठाऊंगा। जब पीठ पर बिठाऊंगा तो आप सोचेंगे बंदर है, कहीं गिरा ना दे तो आप हमें पकड़ लेंगे, और जिसको प्रभु ने पकड़ लिया हो वो कभी छूटा नहीं है। आइए हनुमान जी महाराज की पीठ में अपनी राम लक्ष्मण बैठा है, तालियां बजा दीजिए। ऋषिमुख पर्वत की ओर कि हनुमान को मैंने इनका परिचय लेने के लिए भेजा था, हनुमान ने अपनी पीठ पर लेकर के आया है। कौन है ये? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम है श्रीराम, आपके अनुज, आपका नाम है श्री लक्ष्मण। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का इन्हें वनवास मिला, पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्यरीन की भार्या का हरण कर लिया, उसी को खोजते फिरते यहाँ तक आ पहुंचे। और आप हैं ब्रदर्स कलेक्शन। ओ भय जिसकी सब कथा सुनाए, पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ा। और हे मेरे परमात्मा, यही हमारे महाराज सुग्रीव हैं, और वास्तव में ये सुग्रीव हैं।
यही हमारे महाराज सुग्रीव हैं। मैं महाराज चाहता हूं कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो। कैसा रहे? यह तो बहुत अच्छा विचार है हनुमान तुम्हारा, क्योंकि मैं भी बहुत संकट में हूं और आपके द्वारा बताया गया फिर भी बहुत संकट में है, तो यह तो अच्छी बात है। भाई मित्रता कभी सेवक और स्वामी की हो सकती है? सेवक और स्वामी की मित्रता हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि जब मित्रता में जब दोनों पक्ष बराबर के मिल जाए तो वहां पर मित्रता स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। मैंने जिस समय प्रभु को ध्यान दिया, प्रभु की ओर ध्यान दिया, तो पाया क्या कि ये 14 वर्षों के लिए जब वन में आए तो क्यों आए? इनका राज इनसे छीन लिया गया, इनका राज इनसे छीन लिया गया। और महाराज आप यहां पर रहते हैं तो आपके भाई ने भी आपका राज छीन लिया। स्थिति दोनों की एक है। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए, नारी को खोजते खोजते ये यहां तक आ पहुंचे और आप भी नारी के चक्कर में इस पर्वत पर रहते हैं, क्योंकि आपके भाई बाली ने आपकी पत्नी रोमा को छीन लिया, आपके पास भी नारी नहीं है और इनके पास भी यहां पर स्थापित है। मित्रता के जो बनाए जा सकते हैं ये बराबरी के हैं, और ये भी वन में है और आप भी वन में हैं, तो यहां पर मित्रता होनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मित्रता कोई मित्रता ना ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब छोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया, तो किसी ना किसी को साक्षी मान लिया जाए। अवश्य ही। किसको साक्षी मानते हैं? अग्नि को, साक्षी को। अग्नि भगवान को। तो मन में अग्नि भगवान को साक्षी मान करके पावक साखी दे कर जोरी प्रीत दृढ़ा। भाई दशरथ पुत्र राम, अग्नि को साक्षी मान करके यह वचन देता हूं, सखा सुग्रीव के सुख में सुखी रहूंगा, उनके दुख में दुखी रहूंगा। हे प्रभु, मैं सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह आपको वचन देता हूं कि जब तक सुग्रीव की जान में जान है जब तक आपकी सेवा करूंगा प्रभु, सेवा करूंगा। जान में जान नहीं, तन में जान है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए महाराज सुग्रीव की जय हो। आइए प्रभु, मैं आपको स्थान दिखाता हूं, आप सुग्रीव नयन भरवारी मिले नाथ मिथिलेश कुमार। और देखिए अभी आपने महाराज सुग्रीव और राम जी की मित्रता देखी, अब ये महानगर कानपुर से जो कलाकारों का आगमन हुआ है